आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के 135वें जयंती गौरव दिवस पर आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के 135वें जयंती गौरव दिवस के अवसर पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित चित्र अभिलेख पुस्तक प्रदर्शनी व संगोष्ठी का आयोजन KNPG कॉलेज सभागार में किया गया। जिलाधिकारी आरेका अखौरी ने उनको नमन करते हुए बताया कि गोविंद वल्लभ पंत भारतीय राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, सफल प्रशासक व बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कहा कि पंत जी सदैव राष्ट्रीय चेतना के विकास, कृषक हित, शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता के प्रति प्रयासरत रहे। आयोजित कार्यक्रम में KNPG कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PN डोंगरे, प्रोफेसर कामिनी वर्मा, डॉक्टर ऋचा, डॉक्टर राजेश भारती, डॉक्टर पंकज कुमार, आज़ादी के नायक शहीद झूरी सिंह के प्रपोत्र रामेश्वर सिंह ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के बहुआयामी व्यक्तित्व के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने जन सामान्य, विशेषकर युवा वर्ग एवं विद्यार्थियों को पंत जी के जीवन दर्शन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। संगोष्ठी के बीच वक्तव्य व प्रासंगिकता पर बल देते हुए जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जीवन दर्शन को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि संयुक्त प्रांत में 1937-1939 के समय उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री सहित स्वतंत्रता के बाद बने उत्तर प्रदेश नामकरण के भी दो बार मुख्यमंत्री व 1955-1961 के बीच चौथे गृहमंत्री पद को उन्होंने सुशोभित किया था। देश के प्रति उनके योगदान के कारण ही विंध्याचल मंडल के सोनभद्र में स्थित गोविंद सागर बांध, इलाहाबाद में स्थापित GB पंत सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी पंतनगर, इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी, इंटर कॉलेज काशीपुर, उत्तराखंड आदि संस्थानों को उनके नाम से स्थापित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक व जिला पर्यटन एवं संस्कृत परिषद के सचिव राजेश भारती ने कार्यक्रम की उपादेयता एवं रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गोविंद वल्लभ पंत ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने, काश्तकारी बिल, स्वदेशी आंदोलन, काकोरी घटना के क्रांतिकारियों के मुकदमों की पैरवी करने, प्रेम सभा नामक संगठन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आदि से स्वाधीनता आंदोलन के साथ साथ देश के विकास में अग्रणी भूमिका अदा की। मुख्य वक्ता समाजशास्त्री प्रोफेसर सूर्यनाथ खरवार ने गोविंद वल्लभ पंत द्वारा जीवन के विविध क्षेत्रों में किए गए कार्यों व योगदानों को उद्घाटित किया। उन्होंने उनकी शैक्षिक यात्रा, विधिवेत्ता, स्वतंत्रता सेनानी, अर्थशास्त्री व विद्वता के विभिन्न जीवन आयामों से परिचित कराया। उन्होंने कहा कि पंत जी अपने समय के युग पुरुष थे। इतिहासकार प्रोफेसर कामिनी वर्मा ने जीवी पंत के ऐतिहासिक जीवन यात्रा के साथ स्वाधीनता संग्राम की वेदी में उनके अप्रतिम योगदानों को रेखांकित किया। उन्होंने पंत जी को स्वाधीनता संग्राम के अद्वितीय सेनानी व सफल राजनेता बताया। डॉक्टर ऋचा ने पंत जी के साहित्यिक कृतियों का वर्णन करते हुए उनके वैचारिक दर्शन से छात्रों को अवलोकित किया। जनपद के स्वतंत्रता सेनानी झूरी सिंह के प्रपोत्र रामेश्वर सिंह ने बताया कि देश के विकास में पंत जी ने आदर्श राजनेता की छाप स्थापित की है। उन्होंने अपने पितामह झूरी सिंह द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किए गए साहसिक कार्यों से भी सभी को परिचित कराया। KNPG कॉलेज की छात्रा तनु सिंह, उपासना जायसवाल, स्वाति मिश्रा ने भी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पर अपने विचार प्रस्तुत किए। जिला सूचना कार्यालय द्वारा लगाए गए चित्र अभिलेख पुस्तक प्रदर्शनी व कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार ने सभी अतिथियों व छात्र छात्राओं को प्रदर्शनी का अवलोकन कराते हुए पंत जी के जीवन के विविध अभिलेखों व प्रसंगों को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में डॉक्टर महेंद्र यादव, डॉक्टर मेघना त्रिपाठी सहित अन्य प्रोफेसरगण, छात्र छात्राएं व जनता जनार्दन उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ विकास मिश्रा की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।